हेलो मवाइके फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो बातों को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो जैसे कि मैं कल लाइव आई थी और आप लोगों से कही थी कि मैं आपसे आज के डेट में एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें कुछ मैं फॉन्डेंट का वर्क की थी, और मैंने कल आपसे शेयर भी किया था कि मैंने हार्ट कैसे बनाया। तो उसी वही केक है, ये 1 पाउंड का केक था वनीला फ्लेवर। तो मैंने अपने स्पंज को कर लिया है कट और उसके नीचे मैं रखी हूँ टिश्यू पेपर वाइप करके ताकि ये मेरे केक को धुलने के लिए, और अभी मैं इसे कट कर रही हूँ टिश्यू पेपर में। अब मैं इसकी लेयरिंग करूँगी, मैं कोट करूँगी एंड देन आइसिंग करूँगी, और आफ्टर आइसिंग कल मैं फॉन्डेंट का कुछ वर्क करूँगी। आज रात में बस आइसिंग करके केक पर रख दूँगी, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो पाइन एप्पल क्रस्ट में थोड़ा सा पानी मिलाकर जो शुगर सिरप लगाते हैं हम, उसकी जगह पर मैं यही डालूंगी ताकि कुछ फ्लेवर आ जाए। As you know, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि मैं स्पॉन्ज को 3 लेयर में कट करती हूँ। कटिंग वीडियो भी आपने देखी होगी। अब मैं इसको सोकिंग करूँगी। हमेशा तो मैं वाटर से सोक करती थी लेकिन आज मैं इसमें पाइनएप्पल क्रस्ट मिला दी हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था वनीला फ्लेवर, लेकिन मुझे लगा वनीला पता नहीं कैसा लगेगा, चलो पाइनएप्पल का कुछ क्रस्ट डालकर सोकिंग करते हैं। फिर मैंने सेम इसी तरीके से प्रोसेस किया, और मुझे आज के डेट में ये केक देना है करीब 7 या 8 बजे, या 6 से 7 या 8 बजे तक मुझे केक देना है। और ये केक का ऑर्डर मतलब नवंबर में मैं वेडिंग वाला कुछ केक बनाई थी तो लोग देखे, उसे पसंद किए, और उसी से रिलेटेड फिर से मुझे केक का ऑर्डर मिला। और ये सेम ही फॉन्डेंट केक था। पहले मैं क्या करती थी, नीचे वाले लेयर को हमेशा नीचे रखती थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ ना, नीचे वाले लेयर को ऊपर रखती हूँ और तब जाके मैं आइसिंग करती हूँ। फिलहाल मैंने क्रम कोट कर लिया है और ऊपर भी मैंने पानी स्प्रेड किया, यानी सोकिंग की, और अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर दिया ताकि इसकी कोई क्रम्स ना दिखें। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, मैं हर दिन 7 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ, और प्लीज़ आप लोग ध्यान से, अगर नोटिफिकेशन जाता है तो एक बार जाकर ज़रूर चेकआउट कर लिया करें और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, क्योंकि हर दिन मैं वीडियो डालती हूँ। और जो कोई केक से इंटरेस्ट, मतलब केक सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, मेरी वीडियो लॉन्ग भी जा रही है, अगर वो सीखना चाहेंगे तो ज़रूर सीख जाएंगे। तो अब मैं पाइपिंग बैग से क्रीम को स्प्रेड कर दी हूँ और मैं पैलेट नाइफ से इसे अच्छे से मर्ज करूँगी। फिर उसके बाद मैंने लिया अपना जुगाड़ू स्क्रैपर, जो जिससे काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने लिया कॉम, क्योंकि मुझे लग रही थी मैंने क्रीम ज़्यादा लगा दी है, और फिर कॉम करने के बाद फिर से मैंने स्क्रैपर लिया, और देन उसके बाद इसके एजेस को मैं क्लीन कर ली। और एजेस को क्लीन करने के लिए हमेशा ही याद रखना चाहिए कि या तो आप अपने हाथ में स्क्रैपर रखो या फिर कोई हैंकी रखो, जिससे कि आप अपने पैलेट नाइफ को हमेशा ही क्लीन करते रहो। तो ये डिज़ाइन जो आप नीचे देख है, ये मुझे काफ़ी टाइम से बनाने का दिल कर रहा था, तो मुझे लगा चलो आज मौका है बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया एक फॉग, और जैसे बास्केट नोजल से डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे टोकरी वगैरह में डिज़ाइन होता है, एक लाइन खींचते हैं फिर दो, फिर इस तरीके से मैंने इस तरीके का पैटर्न बना लिया। अगर आप लोग भी बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा केक। और ये देखिए, ये नीचे इसके पैटर्न बन गया है। तो चलिए इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। आज मैंने क्रम कोट करने के बाद इसे फ्रिज में नहीं रखा था, अब ये नेक्स्ट डे है, यानी कि थोड़ी देर पहले की वीडियो है। अभी मैंने केक को कंप्लीट किया है, और रात भर जो आइसिंग कर ये फ्रिज में रखी गई थी, जिसकी वजह से क्रीम इतनी हार्ड हो गई थी कि ये चिपक नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया ना, इसमें न्यूट्रल जेल लगाया और उसके बाद इसे मैंने स्टिक किया, और न्यूट्रल जेल लगाने के बाद ये काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाता है, और मुझसे गलती ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये सारा जो आप फॉन्डेंट वर्क देख रहे हो तो 1 दिन पहले ही मैं कर ली थी। और ये देखिए, मुझे रखना था हार्ट की तरफ घुमाकर, तो मैंने कपल को जो है दूसरी डायरेक्शन में रख दिया, ये मुझसे गलती हो गई। और जब रख दी तब मुझे ध्यान आया कि ये क्या हो गया मुझसे, तो फिर वापस मैंने उठाया, जिसकी क्लिक मुझसे नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, और वापस से जैसे जैसे रखा हुआ था फ़ोटोज में, जो आप आगे देखें फ़ोटो में, वैसे ही मैंने रख दिया। और केक मेरा काफ़ी प्यारा लग रहा था, ये बन के रेडी हो गया। अब नीचे इसके चारों बगल जाहिर है कॉर्नफ्लावर के साथ इसको रखते थे ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं,
तो कॉर्नफ्लावर दिख रहा था। फिर उसके बाद हमेशा ही फॉन्डेंट लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ ना, फॉर्च्यून जो वेजिटेबल ऑयल होता है उससे मैं इसे कोटिंग कर देती हूँ ताकि ये थोड़ी शाइनी दिखे। और कस्टमर की डिमांड थी कि इसमें आप ही दीजिए भी लिखना है, लेकिन क्या कहूँ, आप ही जीजू ये मेरा खो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर भी मैंने मैनेज कर लिया और आप ही जीजू लिख दिया, क्योंकि आज जो कस्टमर लेकर जा रही हैं केक, उनकी बहन की शादी है और आज के ही दिन ये केक कटना है। तो आप लोग बताओ कि आप लोग को ये केक कैसा लगा। और मेरी कस्टमर ने फ़ोटो भेजा था, काफ़ी हद तक मैंने सेम बनाया है। बाकी आप लोग बताओ आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।